अभियुक्त विकास पुत्र संतोष निवासी ग्राम तिवारी खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। थाना असोहा के ग्राम तिवारी खेड़ा में एक युवती जो खेत पर काम कर रही थी उसकी हत्या करने की घटना घटित हुई है। इस मामले में युवती के पिता के द्वारा एक अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसके आधार पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे मृतका लक्ष्मी के साथ प्रेम संबंध थे। एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम विकास कुमार था। विकास कुमार जो है उस समय से जो युवती थी उससे द्वेष मानने लगा था, क्योंकि पूर्व में उनके संबंध थे और वर्तमान में जो युवती थी वो विकास से नहीं मिल रही थी, उसको मना कर रही थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसने समय पाकर मौका पाकर युवती गला घोट की हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। मैंने अपने जन्मदिन में डीजे व खाने पीने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैं मृतका को अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद बहुत थोड़े समय के लिए मेरे घर आई, जिससे मुझे लगने लगा कि अब लक्ष्मी मुझसे कम लगाव रखने लगी। सुबह होने पर मैं उससे मिलने के लिए परेशान था और मैंने मन बना लिया कि अगर लक्ष्मी मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, जिसके बाद मैंने खेत पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त के पास मृतक का मोबाइल व आला कत्ल दो अंगूठी बरामद हुई है। स्वागत जिंदगी के लिए श्याम जी गुप्ता की खास रिपोर्ट। उससे द्वेष मानने लगा था क्योंकि पूर्व में उनके संबंध थे और वर्तमान में जो युवती थी वो विकास से नहीं मिल रही थी, उसको मना कर रही थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसने समय पाकर मौका पाकर युवती गला घोट की हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। उसके द्वारा जो नमकीन आदि बिस्किट जो खाने के लिए लेके गया था वो मौके से बरामद किए गए सभी को, और जो दुकान से खरीदे थे वो भी हमने उसकी पुष्टि कर ली है, और मोबाइल भी वो ले गया था उसको भी बरामद कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है, इसमें 100% एविडेंस के साथ में हमने इसका खुलासा किया।